कनाडा विवाद के बीच यूएनएससी में बड़ा बखेड़ा। कनाडा के सपने चकनाचूर। वीटो पर भारत के समर्थन में कूदे पश्चिमी देश। सीपेक प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने कर ली चीन के साथ दगाबाजी। ड्रैगन को कर दिया किनारे। डॉलर के लालच में पाकिस्तान ने दे दिया चीन को फटका। चीन रूस के साथ एक साथ दुश्मनी मोल ले रहा पाकिस्तान। दोस्तों, एक और जहां भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान का मसला गरमाया हुआ है। G20 से वापस जाने के बाद कनाडा के पीएम ने भारत पर खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया। साथ ही भारतीय राजनयिक को कनाडा में जो स्थित थे उनको निष्कासित कर दिया और भारत के साथ बेवजह ट्रेड मिशन को खत्म करने का भी ऐलान कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर 5 दिन में देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। कनाडा ने बिना सबूतों के साथ शुरू की यह कलह अब कनाडा पर भारी पड़ने लगी है। जो देश खुद अमेरिका के बलबूते पर दुनिया पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है, वह भारत से आंख मिलाकर बेवजह तनाव बढ़ा रहा है। परंतु भारत की मजबूत विदेश नीति और कूटनीति की वजह से कनाडा अब तबाह होने जा रहा है और अकेले पड़ता जा रहा है। यही वजह है कि कनाडा पश्चिमी देशों से समर्थन जताने के लिए उनके सामने झोली फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच यूएनएससी में भारत के लिए बड़ा बखेड़ा हो गया। जो कनाडा पश्चिमी देशों का समर्थन जताने के लिए रातों की नींद गायब कर चुका है, उसको अब एक गहरा झटका लगा है। जी हाँ, G20 में भारत की ऐतिहासिक सफलता की वजह से अब उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, जिस यूएन रिफॉर्म के मुद्दे पर भारत लगातार पूरी दुनिया को घेर रहा है, खासकर के P5 देशों को जो कि यूएनएससी में वीटो लेकर बैठे हैं, उनकी जमकर क्लास लगा रहा है। ऐसे में अगर P5 देश चीन को छोड़ दिया जाए तो सभी देश भारत के वीटो के लिए समर्थन कर चुके हैं और हाल ही में ब्रिटेन ने एक बार फिर से भारत के वीटो के लिए समर्थन किया है। यूएन रिफॉर्म पर भारत ने अग्रेसिव रुख अपना रखा है। हाल ही में यूएन चीफ ने भी बयान दिया था कि अगर समय पर यूएन में बदलाव नहीं हुए तो इसका वजूद खतरे में पड़ सकता है। यूएन चीफ ने भी G20 के दौरान भारत के वीटो के लिए अपना समर्थन जाहिर किया था, परंतु अब धीरे धीरे भारत के वीटो के लिए कई देश आगे आ रहे हैं और खुला समर्थन कर रहे हैं जो खुद यूएन के सदस्य हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी देश पुर्तगाल ने भी यूएनएससी में भारत का खुला समर्थन कर दिया है, जिसे चीन को और कनाडा को बहुत गहरा झटका लगा है, जो भारत के खिलाफ एंटी इंडिया मिशन चला रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेसो डी सूसा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के संबोधन में कहा कि संशोधित यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ब्राजील का भी जिक्र किया, जो कि भारत की तरह ही यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप का हकदार है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा की अवधारणा बहुत पुरानी है, जो कि अब इसे दुनिया से मेल नहीं खाती है। उन्होंने खुला समर्थन करते हुए कहा कि इन देशों को वीटो मिलना चाहिए, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, भारत के मसले पर अब कनाडा अकेला पड़ता जा रहा है। 5 आईज नेटवर्क का हिस्सा होने के बावजूद कनाडा को समर्थन नहीं मिल पा रहा है। कोई भी देश भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं, यहां तक कि कनाडा पर दबाव बना रहे हैं कि इस पर जांच की जाए और इस मामले पर अपनी सफाई दी जाए। ऐसे में क्या कहना है इन दो बड़ी अपडेट्स पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और चीन के बीच हमारे पीओके से होकर सीपेक प्रोजेक्ट गुजरता है, जिस पर अब पाकिस्तान की ओर से चीन के साथ दगाबाजी शुरू हो गई है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, आपको इसके बारे में पूरी तरह से बताते हैं। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते कई दशकों से चले आ रहे हैं। साल 2015 में तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को छोटा भाई बता डाला था, लेकिन अब इसी छोटे भाई ने डॉलर के लालच में आकर चीन को ही किनारे करना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला करार दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने सीपेक पर चीन को ही धोखा देना अब शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीपेक पर चीन से किए गए वादों को दरकिनार कर दिया है। उसने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अब अमेरिका से मदद मांगना शुरू कर दी है। इसके चलते वह चीन को भी किनारे करने को तैयार है।
इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों की माने तो इमरान खान जब सत्ता में आया था उसके बाद से पाकिस्तान की सरकार लगातार सीपेक पर चीन के सामने केवल दिखावा कर रही है। वह अमेरिका से बेल आउट के लिए बातचीत भी कर रही थी। सूत्रों की माने तो सीपेक पर काम में कई महीनों की देरी हुई है। पाकिस्तान में वर्तमान कार्यवाहक सरकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने सदाबहार सहयोगी चीन से संपर्क करने के बजाय मदद के लिए पश्चिमी देशों की मदद मांग रहा है। अमेरिका के न्यूज पोर्टल ने भी इसकी जानकारी दी है। दरअसल द इंटरसेप्ट की तरफ से बताया गया कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई आपूर्ति के बदले पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से राहत दिलाने में मध्यस्थता की है। बाइडेन प्रशासन ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान ने अगस्त 2022 से आंशिक रूप से पोलैंड और जर्मनी के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए यूके सहित पश्चिम के कुछ और देशों के साथ डील की है। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के चक्कर में अपने आयरन ब्रदर चीन और साथ ही रूस के साथ गद्दारी पर तुला है। दोनों के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है क्योंकि यूक्रेन को हथियार देकर पाकिस्तान सीधे तौर पर रूस की मांद में हाथ डाल रहा है, तो साथ ही डॉलर के लालच में सीपेक पर चीन को धोखा दे रहा है। आपको बता दें कि जुलाई में पाकिस्तान ने यूक्रेन के लिए हथियारों की एक खेप भेजी थी। उस समय खबरें आई थी कि यूक्रेन की विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा अचानक पाकिस्तान पहुंची थी। उसी समय हथियार यूक्रेन पहुंचे थे। पाकिस्तान अगस्त 2022 से पश्चिम के आदेश पर और पोलैंड और जर्मनी सहित तीसरे देशों के रास्ते यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद और तोपखाना की आपूर्ति सबसे आगे कर रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ एक समझौता किया था। यूक्रेन और पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से रक्षा साझेदार रहे हैं और पाकिस्तान यूक्रेन से प्रमुख रक्षा उपकरण खरीदता रहा है। दोनों खबरों पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या पाकिस्तान रूस और चीन के साथ दुश्मनी मोल लेकर बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? अपनी राय इस पर जरूर बताएं। साथ ही पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बढ़ते रिश्ते भारत के लिए चुनौती पैदा करेंगे, इस पर भी अपने विचार जरूर रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।